सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स की। रिम्स अस्पताल में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। एक बार फिर रिम्स के डॉक्टर की मानवता पर सवाल उठे हैं। एक बार फिर धरती के भगवान पर जान लेने का आरोप लगा है। रिपोर्ट देखिए। इस नाबालिग बच्चे पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अपने पिता के शव के पास अकेला खड़ा दीपक बिलख रहा है। रिम्स अस्पताल की लापरवाही ने इसे यतीम बना दिया। आरोप है कि रिम्स के मेडिसिन विभाग ने राशन कार्ड नहीं होने की वजह से चतरा के मरीज बलदेव भारती का इलाज करने से मना कर दिया। अपने पति को तड़पता देख पत्नी राशन कार्ड लाने अपने घर चतरा गई और इधर पति ने दम तोड़ दिया। बदकिस्मती दीपक की देखिए कि इसके आंखों के आंसू तक सूख चुके हैं। घर राशन कार्ड लाने गया, सुमे रह गया। डॉक्टर कहा कि जब राशन कार्ड ले लाओ तब इलाज होगा, ना तैसे ना इलाज होगा। एम्बुलेंस में बैठा मासूम दीपक को इस बात का एहसास तक नहीं कि पिता का साया अब उसके सर से उठ चुका है। वो रोता है, आंसू बहाता है, चुप हो जाता है। किसी भी बच्चे को भगवान ये दिन कभी नहीं दिखाए। एम्बुलेंस से बलदेव भारती के शव को चतरा पहुंचा दिया गया। हमारी संस्था जिंदगी मिली दोबारा, हम लोग फ्री शव वाहन करते हैं, तो रिम्स में हमारे राहुल जी है मैनेजर, हमें खबर किए कि शव वाहन को ले जाना है, तो ये चतरा लेने के लिए बोले हैं। तो इन बच्चा देखिए लावारिस टाइप के हैं, बच्चा साथ में है और कोई इसके साथ में नहीं है, तो रिम्स से एक गार्ड मिला, गार्ड के साथ हम लोग जा रहे हैं चतरा इनको छोड़ने के लिए। वही इस पूरे मामले पर डॉक्टर विद्यापति ने कहा कि किसी भी मरीज का इलाज राशन कार्ड के बगैर नहीं रुकता। मरीज काफी दिनों से गंभीर बीमारी टीबी से ग्रसित था। डॉक्टरों ने परिजनों को राशन कार्ड इसलिए लाने को कहा ताकि राशन कार्ड के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों को सरकारी प्रावधान के तहत सुविधा मिल सके। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इलाज नहीं शुरू हुआ। अच्छा, हम लोग जितना भी राउंड दिए तो कोई अटेंडेंट रहता ही नहीं था, कोई था ही नहीं वहाँ पे उस मरीज के पास, तो अकेले उसको मरीज को छोड़ के चला गया था। अस्पताल प्रबंधन कुछ भी दलील दे, लेकिन दीपक के सिर से पिता का साया उठ चुका है और इसका जिम्मेदार कौन है? रांची से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।